उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में इन दिनों किसान खाद के संकट से जूझ रहा है। प्रियंका गांधी बुंदेलखंड के ललितपुर आईं और इस पाली गांव में आईं, जहां पर चार किसानों ने खाद के संकट के चलते दम तोड़ा है। मगर उसी पाली कस्बे में हम देख सकते हैं कि खाद के दुकान के बाहर किस कदर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप देखिए कि पूरी लंबी लाइनें किसानों की। ये एक छोटी सी प्राइवेट दुकान है जहां पर दो बोरी खाद मिल रही है और आसपास के गांव के लोग यहां पे सुबह कई कई घंटों से खड़े हुए हैं। सवेरे की हाँ, वो 8 दिन से यहाँ एक दिन खाद नहीं मिली। हमारी बात कराओ कितने हुए, अब इसे तो कह रहे हम 8 दिन से खाद नहीं मिली। वो कागज फेंक दे, कहते तुम्हारा नंबर नहीं है और देखो जा पर्ची धरी तो दूसरे बनाई तो कह रहे के। अच्छा, और कितनी बोरी खाद चाहिए और कितना मिला? बोरी देते ही ना, हमें मिला नहीं। 8 बोरियन की जरूरत है। 8 बोरी 8 बोरी जाने दो दे रहे, दो संख्या हो रहा है। इस तरीके से किसानों के ये नंबर लगते हैं और उनको आधार कार्ड लाना पड़ता है और उसके बाद फिर ये पर्ची लगने के बाद यहाँ नंबर मिलती है। और इतने सारे किसान हैं यहाँ, कितनी देर से लगे हो यहाँ? हम तो सवेरे के लगे, अब 13 दिन हो गए इससे। 13 दिन हो गए। हाँ, कितनी बोरी खाद मिली? अबे ये को नहीं मिली। आप कितने दिन से लग रहे हो बार बार? 3 दिन से लग रहे सर, बोरी नहीं मिल रही है। जमा होते उतर के फेंक गए थे कि अब शेष रह गए, सो अब लग जाए ना। ये दुकानदार कह रहे हैं कि एक किसान कई कई दुकानों में जाके ले रहे हैं, क्या ऐसा? ले गए हम तो नहीं ले गए, तो नहीं है। हम तो कई बार जगह लगे, कागज नहीं मिले कहीं कहीं। 13 दिन हम 4 दिन तो लैदपुर में लगे आए लेन में, उतर नहीं मिली। फिर 4 दिन के बाद फिर हम इतिहास 3 दिन तय हो गए आज। आप देख सकते हैं सारे किसान हैं जो आस पड़ोस के गांव से आए हुए हैं और कई कई दिनों से यहां आ रहे हैं। किसी को मिलती खाद, किसी को नहीं मिलती, वापस निराश लौट जाते हैं। आप इस तरफ आइए, यहां पर महिलाओं की लाइन भी लगी हुई है। ये महिलाएं भी आई हुई हैं, खाद लेने की। भाई कब से खड़ी हो आप? 1 घंटा से। और भी कितनी बार आई हूँ आप यहाँ? 3 बार आ गई। हाँ, बोरी मिली कि नहीं? नहीं मिली। अब संकट ये हाल है कि हर एक किसान को कितने दिनों बाद मिली बोरी? हाँ, कितने दिनों बाद मिली? 12 से की। तो आप देख सकते हैं कि है तो, मगर मुश्किल है, बांटना मुश्किल हो रहा है। और इस आलम यह है कि जो किसानों को, हर किसान को 2 बोरी मिल रही है, उनको जरूरत 4 से 6 बोरी की होती है। इस कदर भीड़ है कि यहाँ पे पुलिस कंट्रोल किए हुए है कि इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पुलिस लगाई गई है और पुलिस की तैनाती में ही खाद बिक पा रही है। यहाँ पे जनता परेशान है और जो दुकानदार हैं वो बेचारे परेशान हैं कि उनके पास है बहुत कम। तो भैया एक दिन में कितने लोगों को बांट पा रहे हो? सर हम एक दिन में 200 से 300 लोगों को बांट पा रहे हो, 2-2 बोरी दे पा रहे हैं। अच्छा। और ये लोग तो ज्यादा बोरी की डिमांड कर रहे हैं। सर तो हमें ऊपर से नियम है कि 2-2 बोरी दीजिए अभी। और ऐसी पाली में कितनी दुकानें हैं जहाँ पे? ऐसी 3 दुकान है पाली में। आसपास कितने गांव होंगे जो इस सबके भरोसे हैं? तो सर लगभग 50-100 गांव के करीब होंगे। तहसील है सर पाली तो। इस तहसील में सिर्फ 3 खाद की दुकानें हैं और 50 से ज्यादा आसपास के गांव हैं जहाँ पे ये सारे किसान आए हुए हैं और रोज आ रहे हैं। खाद का संकट गहराया हुआ है। सरकार दावा कर रही है कि खाद है मगर बंटने में दिक्कत हो रही है। दरअसल किसानों को जितनी खाद चाहिए उतनी मिल नहीं पा रही है, जिसके चलते संकट गहरा रहा है। सरकार का दावा है कि मिलेगी खाद, मिलेगी मगर पर्याप्त मात्रा में खाद है, मगर जब यहाँ आके जब सच्चाई कुछ और ही है, सच्चाई ये किसान बता रहे। खाद कब से नहीं? खाद 8 दिन हो गए, फिर तक कागज फेंक दे 3-3 बार। तो आप देखिए कि जिन लोगों को मिल पा रही है सिर्फ 2 बोरी मिल रही है, इनको जरूरत कई दिनों की है। नंबर लगा रहता है, वो फोन पे नंबर लग जाता है। तो कुल मिला के बड़ी परेशानी है और प्रियंका गांधी इसी समस्या को एड्रेस करने के लिए इस यहाँ पे इस गांव में आई थी। इसी गांव की हकीकत है कि लोग अभी भी कई कई घंटों से, कई कई दिनों से लाइन में आके लग रहे हैं मगर खाद उनको मिल नहीं पा रही है। और निश्चित ही सरकार को इन किसानों की सुननी चाहिए, तब कहीं जाकर इन किसानों को बेहतर तरीके से खाद मिल पाएगी। वरना किसान कह रहे हैं कि उनका खेत तैयार है, बीज तैयार है मगर बिना खाद की कमी से वो बोनी कर नहीं पा रहे हैं। कैमरामैन हुमेंद देशमुख के साथ ब्रजेश शाह की एबीपी न्यूज, पाली तहसील ललितपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।